छाता तहसील के गांव रनवारी में उस समय अफरा तफरी मच गई, जिस समय लोगों को पता चला कि उन्हीं के गांव में आग लग गई है, जिसकी खबर लगते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए अपने प्रयास करने लगे। लगभग एक घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एक गाय और गाय का बछड़ा और एक पड्डा आग की भेंट चढ़ गया, जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार कमल सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह एक किसान है, जो कि खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपने घर का लालन पालन कर रहा है। रोजाना की भांति वो अपने पशुओं को बांध कर सोने के लिए अपने घर चला गया। सुबह 4 बजे उसके पड़ोसी काना ने उसे बताया कि जहां उसके पशु बंधे हुए हैं, वहां पर आग लग गई है। कुछ देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग ने अंदर बंधे हुए पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय व्यक्तियों और मकान मालिक को हुई, तभी वे मौके पर पहुंचे। लगभग एक घंटे बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन उस आग की चपेट में उस किसान के पशु और पास ही रखे कंडे आदि जल गए, जिसकी वजह से किसान का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इसकी सूचना उसने उप जिला अधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य को दी। घटना की सूचना पाकर उप जिला अधिकारी ने डॉक्टरों की टीम उनके गांव भेजी, लेकिन तब तक किसान के पशुओं ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर उन पशुओं को बचाने में असमर्थ नजर आए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। किसान कमल सिंह ने सरकार से अपने लिए आर्थिक मदद की मांग की है।